Hello everyone, good afternoon. How are you all? I hope everybody is good. And from today your unit tests are starting. So all the very best for your unit test. Please give honestly all the papers, learn properly and give your test. Okay? Now in this lecture we are not going to start any new chapter. You have to do a map. आई नो आपके लिए फर्स्ट टाइम है मैप, आपको करना नहीं आता मैप कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. और प्लीज़ आप घर पे हर एक स्टूडेंट ट्राई कीजिए मैप करने के लिए. उसके लिए पहले आपको स्टेशनरी में से इंडियन पॉलिटिकल मैप लेना है, इंडियन पॉलिटिकल मैप. आप उसको बोलोगे ना कि मुझे इंडिया पॉलिटिकल मैप जो हर एक स्टेट की बॉर्डर्स जिसमें ड्रॉ की होती है. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये मैप आपको जो दिख रहा है ना, वो इंडियन पॉलिटिकल कहलाता है, जिसमें आपको देख सकते हो कि हर एक स्टेट की बॉर्डर्स की सिंबल्स ऐसे लाइनिंग्स ड्रॉ किए. ऐसा पॉलिटिकल मैप आपको स्टेशनरी में से लेना है. ठीक है, सबसे पहली आपकी जो एक्सरसाइज है ना ऑन द मैप जो मैंने दी है वो चैप्टर नंबर 12 की है. अगर आप चैप्टर नंबर 12 निकालोगे ना, तो ये मैप भी चैप्टर नंबर 12 का है और पेज नंबर 122 पे ये आपकी एक्सरसाइज है. और ये मैप भी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से करना है मैंने यहाँ पे दिया है. आपको ये एक्सरसाइज प्लेन पॉलिटिकल मैप में आपके घर आपके आपने जो स्टेशनरी में लिया है वो मैप में आपको करना है. आपके टेक्स्ट बुक में जो मैप है उसमें आपको नहीं करना है. कैसे करोगे? ऑन द मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग. ओके, सबसे पहले क्या लिखा है? टू कोल प्रोड्यूस स्टेट्स ऑफ इंडिया. पहले आप ये मैप देखो, आपका जो मैप है ना वो पेज नंबर 119 के ऊपर है. ओके, उसमें ये मैप में आपको नीचे सारे रेफरेंसेस दिए हैं. उसमें सबसे पहले कोल, हमें कोल पूछा है ना फर्स्ट में. यस, कोल, कोल का सिंबल दिख रहा है, फोर डॉट है ब्लैक. अब आप देखो कि ये फोर डॉट कौन कौन से स्टेट में है. देखो, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय है ना, ये सब में दो पॉइंट्स है. मतलब ये सारे स्टेट्स है जहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपको सिर्फ टू स्टेट्स पे ऐसे मार्क करने हैं और उसके साइड में लिखना है कोल. ठीक है, आपको ये सारे स्टेट्स में कहना है, जो स्टेट्स है जो कोल प्रोड्यूस करता है उसमें से कोई भी टू स्टेट्स में आपको ये कोल का सिंबल करना है और उसके सामने कोल लिख देना है. उसी तरह से टू स्टेट्स वेयर गोल्ड इज माइंड. गोल्ड की माइंस कहाँ पे है? पहले गोल्ड का आप सिंबल देखो, कहाँ है, कैसा है, ऐसे रेड स्क्वायर रेड है. अब कहाँ पे है देखो, आंध्र प्रदेश में थ्री प्लेसेस पे है, कर्नाटका में है, फिर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिख रहा है ये सारे जगह पर वो कोल की माइंड है. लेकिन इन सारे स्टेट में से आपको सिर्फ टू स्टेट्स के नेम में ये सिंबल करना है जहाँ पे गोल्ड माइन है. समझ में आया आपको किस तरह से करना है? टू स्टेट्स जहाँ पे कोल प्रोड्यूस होते हैं और टू स्टेट्स जहाँ पे माइंड होती है. सिंबल्स ऑलरेडी आपके सामने है, आपको कोई भी टू स्टेट्स में उसके सिंबल्स करने हैं, उसके सामने कोल लिखना है या तो गोल्ड लिखना है और आपका मैप कंप्लीट हो जाएगा. अब दूसरा मैप, दूसरा मैप आपका चैप्टर नंबर 13 में है, ऑन पेज नंबर 130 पे ये मैप है और आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 132 में. इसमें भी सेम तरीके से आपको सिंबल्स करने हैं, लेकिन किसके? ऑन द मैप ऑफ फॉलोइंग मार्क द फॉलोइंग सॉरी ऑन द मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग. फर्स्ट, टू स्टेट दैट प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स. सबसे पहले यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का सिंबल देखो, देखो एक कार जैसा है. कौन कौन से स्टेट्स में ऑटोमोबाइल है? देखो यहाँ पे चेन्नई में है ऑटोमोबाइल. फिर कहाँ है? कोलकाता में है ऑटोमोबाइल, दिख रहा है कोलकाता में. फिर गुड़गांव में, फरीदाबाद में, दिल्ली में,
ये हर जगह पर ऑटोमोबाइल्स है। आपको कोई भी ऐसे टू स्टेट्स में ये सिंबल करना है जहां पे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन होती है। सेकंड है वन स्टेट दैट प्रोड्यूस बोथ ऑटोमोबाइल्स एंड शिप। एक स्टेट ऐसा है जो दोनों प्रोड्यूस करता है, जो ऑटोमोबाइल्स भी करता है शिप। सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स का सिंबल देखो ये सा एंड शिप बिल्डिंग का ऐसा। अब कौन सा ऐसा स्टेट है ये जो दोनों करता है, देखो चेन्नई, चेन्नई दिख रहा है आपको, दोनों ऐसे मार्क दिख रहे हैं चेन्नई में। उसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जो दोनों चीजें करता है वो आपको देखना है। यहाँ पे मुझे सिर्फ चेन्नई दिख रहा है, फिर आप फिर भी नहीं, यहाँ भी है मुंबई, देखो मुंबई में भी है राइट। लेकिन आपको किसी वन स्टेट में ये करना है, आपको दोनों का सिंबल उस स्टेट में करना है। कोई भी एक स्टेट जो प्रोड्यूस दोनों करता हो, ऑटोमोबाइल्स भी प्रोड्यूस करता हो और शिप बिल्डिंग भी करता हो, ऐसा उसका सिंबल करके उसके बाजू में आपको ऑटोमोबाइल्स एंड शिप बिल्डिंग लिख लेना है। ओके, थर्ड वन स्टेट दैट प्रोड्यूस बोथ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ओके, आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यहाँ पे है ना, पिक्चर नहीं दिख रहा है आपको, अब ऐसे स्टेट में करना है जो ऑटोमोबाइल्स भी करते हैं और इलेक्ट्रिक गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। वैसे जैसे मैंने पहले आपको समझाया उसी तरह से आपको एक स्टेट में उसका सिंबल, दोनों का सिंबल करके मुझे अच्छे से आपको उसका नाम लिखना है। ये दोनों चीजें आप एक ही मैप में करना, दो पॉलिटिकल मैप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के सिंबल्स डिफरेंट है तो हमें पता चल जाएगा। और सिंबल के बाजू में आप नाम भी लिखने वाले हो, जैसे कि कोल, गोल्ड, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड शिपिंग, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सबके सिंबल्स करना, तो एक ही पॉलिटिकल मैप में ये सारी चीजें आ जाएगी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह से मैप करना है। फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर एक स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से, कि प्लीज उनको पॉलिटिकल मैप ला के दे और हर एक पेरेंट्स ये मैप अपने घर पे ट्राई करेंगे। आप कलर भी यूज कर सकते हो, कोई भी कलर, जैसे यहाँ पे सिंबल्स में डिफरेंट कलर्स यूज किए कर सकते हो, आप पेंसिल से भी कर सकते हो, किसी भी तरह से करके, अच्छे से करके, पिक्चर अच्छे से क्लिक करके फिर मुझे आप व्हाट्सएप में भेज देना। मुझे लगता है कि शायद आप लोग कर लोगे, क्योंकि हम लोगों ने वैसे सिटीज एंड स्टेट्स के मैप तो लास्ट ईयर किए ही है, यहाँ पे हमें करने हैं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस के। ओके, चलो, आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड, टिल देन बाय बाय।